आज हमारे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे किचन में बनने जा रहे रसमलाई रस, होटल के जैसे हम बनाएंगे, जैसे ही लोग बनाते हैं उस तरह आप बना के तैयार कर लीजिएगा। तो ये देखिए कितना बनी, एकदम सॉफ्ट बनी है। तो चलिए इनको बनाने के लिए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। रसमलाई बनाने के लिए हम एक डेढ़ लीटर हम दूध को ले लिए हैं। दूध को हम सुबह में हम मंगाए थे तो इनको हम गर्म करके रख दिए थे, अभी दोपहर के टाइम है तो इसमें देखिए छाई लग गया है। तो इनके साथ में हम दूध को पहले गर्म कर लेंगे, दूध को हाई फ्लेम पर हम गर्म कर लेंगे। हम छाली नहीं निकालेंगे इसमें क्या, इसी तरह हम गर्म करेंगे। ये मलाई के साथ में हम दूध को उबाल लेते हैं और ये जो मलाई है इसी में हम पतला कर देंगे इनको चलाकर। तो देखिए पूरा मलाई है इसमें टूट गया है, गर्म होने के बाद में मलाई एकदम पतला हो जाते हैं। तो इनको एक उबाल आने तक हम गर्म करेंगे, उसके बाद में गैस को ऑफ कर देंगे। ये देखिए दूध एकदम हमारा गाढ़ा है, डेयरी में के दूध है एकदम गाढ़ा है, मलाई नहीं निकलेंगे। तो देखिए दूध गर्म होना चालू हो गया है। देखिए दूध के अच्छे से उबाल आ चुके हैं, गैस को हम ऑफ कर देते हैं और दूध के हम 1 लीटर दूध हम निकाल लेंगे रस बनाने के लिए। तो ये देखिए हम इतना दूध निकाल लेते हैं और बाकी दूध के ना हम एक एक चम्मच करके हम विनीगर करके डालेंगे। यह घर में तो फिटकरी से आप फाड़ सकते हैं, तो धीरे धीरे वो विनीगर को हम डालेंगे कि हमारा एक बैग डालेंगे ना तो हम वो कम निकलेंगे। तो देखिए एक चम्मच हम और डाल रहे हैं और इनको धीरे हमारा मलाई कम निकलेंगे और धीरे धीरे डालेंगे तो पूरे जो हमारा दूध और मलाई एक तरफ अलग अलग हो जाएंगे। तो देखिए फटना ही इनका चालू हो गया है, हम धीरे धीरे करके हम विनीगर को डालेंगे। तो देखिए कितना अच्छा से ये फट गया है, एकदम हमारे मावा का जैसा ये दूध फट चुके हैं आप देख सकते हैं। हम आपको चम्मच उठा के दिखा रहे हैं, ये देखिए एकदम पानी और मावा ये अलग अलग हो गया है। अब इनको ना सूती के कपड़े में हम निकाल लेंगे, एकदम कॉटन के कपड़ा लीजिए फ्रेश कपड़ा और इनको मावा के निकाल लीजिए। देखिए ये कितना बढ़िया खुद खुदा सा निकल गया है ना, और इसमें अब ठंडा पानी रख के थोड़ा सा धो लेंगे। हम इनको ठंडा पानी से धो देंगे कि हम विनीगर जो डाले हैं ना उसका खट्टापन निकल जाएंगे। तो देखिए अब ये कपड़ के पकड़ेंगे और इसमें के अच्छे से पानी मसल के हम निकाल लेंगे। ये देखिए पानी, तो देखिए पूरे पानी को हम निचोड़ लिए हैं, पानी थोड़ा सा भी इसमें नहीं है। और इनको अब दूसरे हम बर्तन में हम पलटा लेते हैं, हम इनको ना थाली में ले लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा निकला है ना, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है, एकदम दाना दाना भी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि हम पहले से हम गूँथ के तैयार कर लिए हैं। कैसे हम गूँथते हैं रसगुल्ला के छेना को उसी तरह इनको भी हम गूँथेंगे और अच्छे से हाथों से हथेलियों से अच्छे से मसल लेंगे कि हमारा एक भी दाना इसमें ना रहे और अच्छे से हमारा रसमलाई बन के तैयार हो जाए। तो इनको चलिए हम साइड में करते हैं और इनका चाशनी बनाना हम शुरू करते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम 1/2 लीटर पानी में 1 पाव हम चीनी को हम डाले हैं और उनका चाशनी बना रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा इलायची हम डालेंगे 1 से 2 और इनको हम बनने देंगे जब तक हम रसमलाई को बना के हम तैयार कर लेते हैं। तो चलिए पूरा हमारा परफेक्ट तैयार हो चुके हैं, अब इनको हम बनाएंगे रसमलाई। अब रसमलाई आप गोल में या चौरा में अगर कुछ जैसा आपको मर्जी करे वैसे आप बना सकते हैं, तो हम चौरा में बना रहे हैं। हम पहले आपके साथ में हम शेयर किए हैं तो वो गोल हम बना के शेयर किए हैं, आज हम चौरे में बनाएंगे। आप इस साइज के ऊपर आप बना सकते हैं, साइज बड़ी या छोटी आप बना सकते हैं। तो हम मीडियम साइज में ले रहे हैं, इनको थोड़ा सा बीच में हम दाब देंगे। ये देखिए
एकदम पूरे परफेक्ट तैयार हो बना रहे हैं हम। देखिए हम सबको इसी तरह बना के हम तैयार कर लेंगे, जब तक हमारा चाशनी बन रहा है ना, जब तक हम इनको तैयार कर लेंगे। तो देखिए सबको हम बना के हम तैयार कर लिए हैं, हमारा चाशनी भी तैयार हो चुके हैं, तो उसमें हम एक एक करके हम सबको डाल देंगे। ये सबको इसी में हम डाल देंगे। हम सबको डाल दिए हैं, कम से कम 5 मिनट तक इनमें हम चाशनी में उबालेंगे, तो इनको हम ढक देते हैं या जब तक इनका रस हम तैयार कर लेते हैं। तो जो हम दूध हम निकाले हैं ना, उसको हम रस बनाएंगे, रसमलाई को। तो ये देखिए, ये दूध में अगर आपके घर में केसर हो तो आप केसर डाल सकते हैं, नहीं केसर है तो थोड़ी सा हल्दी के एक चुटकी हल्दी आप डाल सकते हैं। कि हम थोड़ा सा दूध निकाल लिए, दूध गर्म है, तो इसमें ना हम केसर डालें, केसर के धागा हम डाल देंगे कि इससे ना हमारा दूध ना अच्छा इस पर कलर चढ़ेंगे, तो इसलिए हम केसर के धागा को हम डाल दिए हैं। और इनको थोड़ा सा हम मिला लेंगे। देखिए अगर आपके घर में केसर ना हो तो आप हल्दी के एक चुटकी आप हल्दी डाल सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा पीला हो गया है, आपको इसमें हल्दी के पाउडर डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं होगा तो हल्दी डालना होगा, डाल दीजिएगा, नहीं तो केसर से बनाइएगा तो और परफेक्ट बनेंगे और बहुत अच्छा देखने में भी एकदम पीला पीला लगेगा। तो चलिए हम वो दूध में हम डाल देते हैं। तो देखिए हम सबको इसी में डाल देंगे और इनको चला देंगे। तो देखिए इनका कलर एकदम पीला पीला हो गया है, एकदम हम डार्क पीला नहीं बनाए हैं। केसर अगर जितना डालिएगा उतना ही पीला होगा, तो हम केसर के हम कम धागा डाले हैं इसीलिए कम पीला है। तो ये एकदम परफेक्ट कलर है, एकदम मस्त है। तो इनको हम गैस पर से हम नीचे उतार लेते हैं और जिनमें जो बर्तन में आपको सेव करना होगा उसमें कर लीजिए। तो हम परात छोटी को परात हम ले लेंगे उनको सेव करने के लिए। ये रसमलाई भी बन के तैयार हो चुके हैं, तो हम गैस को अप कर देते हैं। ये देखिए देखिए ये हमारा रस भी है, वो ठंडा भी हो गया है। हमारा रसगुल्ला है वो भी ठंडा हो गया है, तो इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं। अच्छा तो देखिए हमारा रसमलाई बनकर तैयार हो चुके हैं, देखने में भी एकदम सुंदर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। अब होटल का जैसे हम बना के घर में तैयार कर लिए, आप जब चाहे तब घर में आप भी बना के तैयार कर सकते हैं। एकदम रसगुल्ले के जैसा सॉफ्ट बना है और टेस्टिंग भी बहुत अच्छा है। तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो अगर आप नए नए देख रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, अगर पूरे वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।